वर्ष 1883 जॉन रेबलिंग के जीवन का एक महत्वपूर्ण साल। जॉन रेबलिंग जो कि एक इंजीनियर है, वो एक ऐसे सपने के साथ आता है जिसमें वो देख सोचता है कि न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड के बीच में एक पुल बनाया जाए। और ये प्लान जब वो विशेषज्ञों के पास ले जाता है तो विशेषज्ञ उसके प्लान को सिरे से खारिज कर देते हैं और लगभग असंभव बताते हैं। सारी दुनिया उसके विरोध में होती है और उसे उसका प्लान ड्रॉप करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जिस पुल की भव्यता का वो सपना देख चुका होता है उस बिंदु का पुल आज तक नहीं बना होता, लेकिन उसका इंस्टीट्यूशन कहता है कि वो पुल बन सकता है और बहुत भव्य बन सकता है। उसके इस प्लान में उसका समर्थन करने वाला मात्र एक व्यक्ति होता है और वो उसका बेटा वॉशिंगटन। पिता पुत्र दोनों मिलकर उस पुल की कार्य योजना तैयार करते हैं, पूरा प्लान तैयार करते हैं और ऐसी आवश्यक टीम की भर्ती करते हैं जो उन्हें पुल बनाने में लगने वाली है और पुल का काम शुरू होता है। पुल का कार्य अभी कुछ दिन चला ही था कि कार्यस्थल पर एक दुर्घटना के कारण जॉन रेबलिंग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। कोई और होता तो उस काम को छोड़ देता, लेकिन जॉन रेबलिंग के पुत्र वॉशिंगटन ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि उसके पापा का सपना पूरा हो सकता है और उस कार्य पे तन मन धन से कार्य करने लगा। लेकिन दुर्घटना ऐसी कि कुछ दिनों बाद उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया और वो लकवाग्रस्त हो गया। वो अपने शरीर को नहीं हिला सकता था, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं सकता था, लेकिन उसकी मात्र एक उंगली वर्क किया करती थी और अपनी उस एक उंगली से वो अपने निर्देश को दिया करता था। अब उसके संप्रेषण का माध्यम उसकी बीवी बन चुकी थी। उसने ऐसी एक कोडिंग लैंग्वेज बना ली थी जिससे वो अपनी बीवी को निर्देश देता था और उसके निर्देशन की कोडिंग लैंग्वेज की व्याख्या उसकी बीवी इंजीनियर्स को करके समझाया करती थी। और इंजीनियर्स काम क्या करते थे, एक साल नहीं, दो साल नहीं, पूरे 13 साल वॉशिंगटन कुर्सी पर बैठकर मात्र एक उंगली से निर्देश दिया करता था और उसकी बीवी वो सारी चीज़ें इंजीनियर को समझाया करती थी। और ऐसा करते करते उन्होंने उस पुल का निर्माण कार्य पूरा किया और आज वो पुल दुनिया के लिए एक ट्रू लाइफ सक्सेस स्टोरी के रूप में खड़ा है, एक ऐसी प्रतिमा के रूप में खड़ा है जिसको बनाने के लिए हजारों बाधाएं आई, लेकिन वो बंदा रुका नहीं, जिसमें उसके पिता तक उसे छोड़कर चले गए और उसने पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बैठकर काम किया। जी हाँ दोस्तों, ये पुल है न्यूयॉर्क और न्यू लॉन्ग आइलैंड के बीच में, जिसे हम आज ब्रुकलिन ब्रिज के नाम से जानते हैं, एक ऐसा ब्रिज जो एक अद्भुत स्ट्रक्चर का नमूना है। दोस्तों, जिंदगी में बाधाएं आएंगी और आना भी चाहिए, लेकिन उन बाधाओं से बिना डरे जो काम करते रहता है निरंतर, हमेशा दिन रात, वही व्यक्ति अपने काम में सफल होता है। और जो व्यक्ति थोड़ी सी बाधाओं से पीछे मुड़ जाते हैं वो अपनी जिंदगी में वो मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाते जिस मुकाम के लिए वो बने हैं। आज वो जहां हैं उससे कहीं ज्यादा वो डिजर्व करते हैं, लेकिन वो वहां इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपनी बाधाओं से डर गए, क्योंकि उन लोगों ने हार मान लिया। अगर आप शरीर से अपंग हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मानसिक रूप से अपंग हो जाते हैं तो आपकी जिंदगी की सफलता वहां खत्म हो जाती है। वॉशिंगटन जो कि पूरी तरीके से अपंग हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के सपनों को नहीं छोड़ा और आज जमाने को इतना बड़ा ब्रिज दे दिया। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी है और अगर आप इस स्टोरी से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रोज सुबह 7 बजे इस चैनल पर एक नई कहानी लेके आता हूँ। जय हिंद।